कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दौसा सीएमएचओ मनीष चौधरी पहुंचे बांदीकुई। बांदीकुई में हो रहे वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर की प्रशंसा। टीकाकरण में बांदीकुई को पूरे जिले भर में बताया अव्वल। सीएमएचओ ने भीड़ देखकर कहा, लगता है बांदीकुई की जनता टीकाकरण को लेकर जागरूक है। कहा, बांदीकुई की जनता टीकाकरण को लेकर सजग है, अपनी बारी आने पर परिवार से टीका जरूर लगवाएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। सीएमएचओ आज बांदीकुई में वैक्सीनेशन के चलते निरीक्षण पर आए हुए थे। आइए देखते हैं बांदीकुई से राजकुमार चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। आप जो निरीक्षण के लिए आए, कोविड वैक्सीन जब से शुरू हुआ है, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरी पूरी टीम सीएमएचओ हो, सीएस इंचार्ज हो, एएनएमएलजी हो, सभी एक अच्छे क्वालिटी से काम कर रहे हैं। पूरे पार्षद और बीएलओ जो है वो भी अपना सहयोग अदा कर रहे हैं। काफी अच्छी भीड़ है, सारे जितने बुजुर्ग हैं काकल सुपर वाले, इन्होंने राजस्थान सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनका पालन कराते हुए उनको सबको वैक्सीनेशन हो रहा है। बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिला कि पूरे जिले के अंदर अच्छा वैक्सीन होता है, बांदीकुई में संपादित हो रहा है। मैं ये संदेश भी देना चाहूंगा, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। सारे लोग, सारे समाज के जनप्रतिनिधि इस काम में लगे हुए हैं। बुजुर्ग लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन 100% हो जाए ताकि ये बीमारी हमारे घर के अंदर आ ही नहीं सके। ऐसा ही संदेश पब्लिक के अंदर मैं देना भी चाहता हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी जिम्मेदारी है।